नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने 60 साल की उम्र में रविवार को शादी की। वासनिक ने रवीना खुराना नाम की महिला से शादी की है। वासनिक के करीबी सूत्रों के मुताबिक दोनों काफी पुराने दोस्त थे। रवीना एक निजी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत बताई जाती हैं। वासनिक दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में रवीना खुराना के साथ शादी के बंधन में बंधे। शादी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, अंबिका सोनी, बीके हरिप्रसाद और आनंद शर्मा नव दंपत्ति को बधाई देने पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए उनकी शादी की खबर सार्वजनिक की। उन्होंने मुकुल वासनिक को जिंदगी की नई पारी की शुभकामनाएं दी और तस्वीरें शेयर की। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी शादी की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मैं और नाजनीन नए शादीशुदा जोड़े मुकुल वासनिक और रवीना खुराना को नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देते हैं। मुकुल वासनिक से मेरी पहली मुलाकात 1984 और रवीना से 1985 में वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स के दौरान मॉस्को में हुई थी। दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक मनमोहन सिंह के समय में मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। वासनिक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के प्रमुख भी हैं। महाराष्ट्र के दलित परिवार से आने वाले वासनिक के पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। वासनिक ने महज 25 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीता था। वो कांग्रेस के छात्र संगठन और युवा संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।